हेलो एवरीवन, दिस इज हरिद्दा साहू फ्रॉम किंग रिसर्च एकेडमी। आप सभी लोगों का स्वागत है आप ही के चैनल किंग रिसर्च में। गाइस, मैं लेके आया हूँ कल की बात, आज एपिसोड नंबर 140। यस, एडवांस में हम लोग इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने वाले हैं। कुछ बाइंग के लेवल्स मेरे पास आ रहे हैं, आइए मैं आपको ले चलता हूँ। उससे पहले कल जो लेवल्स दिए थे और किस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट हमारे लेवल से काम किया है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए, तो पहले थोड़ा सा पुराना वाला देख लेते हैं जो कल दिए थे। भाई याद है आपको क्या बोला गया है? आपको ऊपर जाए तो सेल करो, नीचे आए तो राउंड बाई करो। 14570 कोई बताएगा निफ्टी फ्यूचर्स का लो कितना है? प्लीज जाके चेक करना और फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि वाकई में कितना लो था। यस, 570 नहीं आया है, लेकिन ऑलमोस्ट इसी के पास आके वहां से बाउंस किया है मार्केट ने, और कहां तक गया है वो भी जरूर देखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, बैंक निफ्टी आपको बोला गया था स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पावर दिखा रहा है। आज गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद 1.5% की गिरावट थी, उसके बाद उसने रिकवरी करी। और मैंने आपको क्लियर कट मेंशन किया है 33,870, 33,600 पे क्या कर रहे हैं? बाइंग करने का सोचना है क्या? ये फ्यूचर्स के लेवल्स में आपको देता हूं। क्या आपने देखा फ्यूचर का लेवल किस लेवल तक लो आया था? 30, 40, 50 पॉइंट से मिस्ड आवर बैंक निफ्टी का लेवल, और वहां से क्या रॉकेट बनाया है खुदा। देखो 33,870, 33,600 इनिशिएट हुआ। मजे की बात, 33,600 हमारा रॉक सपोर्ट था। प्लीज जाके चेक करना क्या लो था, देर इज नो एसएल। वही ने टारगेट आया ही नहीं उस लेवल तक 400 का, ऊपर से ही घूम गया। प्लीज जाके चेक करना, और जिन्होंने लॉन्ग किया होगा हमारे इन दोनों लेवल्स पे, पैसा बना कि नहीं बना आप खुद कमेंट सेक्शन में बताओ, सो दैट जो नए लोग हैं उनको समझ में आए। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। हमने बोला था विल स्ट्रेंथ, इट विल स्ट्रेंथ अबव 34,256, 200 के आसपास तो आया और वहीं से गिर गया, सस्टेन नहीं कर पाया। दिस इज कॉल्ड मैजिक लेवल्स, की ऊपर के लेवल्स भी नीचे के लेवल्स भी, अगर ऊपर का रिजेक्शन होता है तो नीचे की तरफ सोचो, उसमें बाइंग करना नहीं है। अगर बाइंग साइड में नीचे की तरफ रिजेक्शन होता है तो ऊपर की तरफ आ सकता है, उसमें सेल करने का नहीं है। अभी भी मेरे को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हो भाई, फिर बोलूंगा पैसा आपका है। 10 दिन प्रॉपर पेन और कॉपी लेके बैठो, मेरा वीडियो देखना है तो पेपर एंड पेन लेके बैठो और फिर मेन लेवल्स को नोट करो, तभी समझ में आएगा। नहीं तो फिर बोलोगे सर मेरे को समझ में नहीं आया। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है सर लेवल समझ में नहीं आता, भाई 10 दिन प्रॉपर फॉलो कर लो, सब समझ में आने लग जाएगा। लास्ट क्लोज्ड, आई एम सो सॉरी, लास्ट क्लोज में थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी है। ये पुराने वाले लास्ट क्लोज्ड है, कोई बताएगा बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में लास्ट क्लोज कितना है? एक सेकेंड आप देख लेना सर, तो एडिट करने में टाइम लगेगा, खोलने सिस्टम में टाइम लगेगा। लास्ट क्लोज में गलत है, ठीक है, क्योंकि मैंने वहां से उठाया, सिर्फ लास्ट क्लोज चेंज नहीं करना भूल गया। बट यस, नाउ कीप आई ऑन 14830, 830 के ऊपर, 830 के ऊपर ओनली थिंग फॉर द बाई इन निफ्टी फ्यूचर्स। थम्स अप दे रहा हूं, बाई करने का सोचो 830 के ऊपर विद स्टॉप लॉस 14670। इट विल जूम टू केस 14747 15070 तक का लेवल, आपको दोबारा 15,000 तक के टारगेट दिख सकते हैं। लोअर रॉक सपोर्ट जो है 14630 14570 का लेवल है। यस, ओनली मंदी बिलो 14570, 14570 के नीचे जाता है तो फिर थिंक फॉर द सेल, भूल जाओ सारा भाई जो मैंने बोला था आपको। बैंक निफ्टी की बात करूंगा अगेन, ये देखो लेवल्स गलत हैं, ठीक है। फ्यूचर का जो आज का क्लोज है वो रेट कर लेना अपने हिसाब से भाई, नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखोगे ये वगैरह वगैरह। एनीवे, जिनका काम है वो लिखेगा, जिनका काम समझना है वो समझ जाएगा, राइट। सो यस, अबव 13950 बाय एंड सेट रिलैक्स, 33950 बाय एंड सेट रिलैक्स। फिर बोल रहा हूं, यस अबव 33950 बाय एंड सेट रिलैक्स, कीप स्टॉप लॉस 33156। ये 156 का लेवल है, 33156, गो लॉन्ग। सॉरी, आपका वहां पे दिक्कत हो गया होगा, 13950 के ऊपर बाई करो एंड सेट रिलैक्स विद स्टॉप लॉस 33156, गो लॉन्ग। यस, अपसाइड इट विल जूम टू केस 34830 35156, देयर आफ्टर मोर फायरवर्क्स विल हैपन। किसके ऊपर?
35 150 के अगर ऊपर क्लोज हो जाता है तो मैं और पावरफुल 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट के रैली के लिए बैठ जाऊंगा बैंक निफ्टी में। लेकिन इंपॉर्टेंट जो लेवल्स मैं आपको मेंशन कर रहा हूं गाइस, ईगली उस पे प्रॉपर तरीके से ईगल आई व्यू रखिएगा, पेपर पेन नोट करिएगा और उन लेवल्स पे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं मैं। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, पैसा आपका रिस्क आपका, तो भैया अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड ले। मैं ये वीडियो लेवल्स आपको हेल्प करने के लिए बना रहा हूँ, एजुकेशन पर्पस बना रहा हूँ कि क्या लेवल्स बना रहे हैं। आप खुद चार्ट खोल के देख सकते हो ये लेवल्स क्यों बनाए हरी सर ने, किस तरह से काम करते हैं और इसमें आप सब लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप देखिए, चेक करिए, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए इमीडिएट बेसिस पे, क्योंकि वहां पे कुछ भी लाइव मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी यानी स्टॉक्स में रहेगा वहां पे मैं आपको क्लियर कट मैसेज देने वाला हूं। जय हिंद, कल मिलता है 9:15 पे। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। और हाँ, हमारा एक ही मंत्र है, लर्न एंड देन अर्न, सीखने का सोचो। ये टिप्स भी आप खुद बना सकते हो, बस जज्बा होना चाहिए, सीखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो